जनता पार्टी जोगेश्वरी जनसंपर्क कार्यालय पर बीजेपी अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष एसएम खान ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुने जाने पर ढोल ताशे बजवाकर मिठाई बांटी और भंडारे का भी आयोजन किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए एसएम खान ने क्या कुछ कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। सबसे बड़ी पार्टी पर पद के ऊपर उतर रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? देखिए, हमारी पार्टी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2024 में तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत की जनता, 140 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को दिया है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री बनने हैं। इसी को देखते हुए आज पूरी आवाम हमारी खुशी से झूम रही है और दुआ करती है कि हिंदुस्तान में अमन चैन रहे और ऐसे ही हमारा देश खुशहाल रहे। देखिए, ये भारत की जो जनता है, जो हमें जितनी भी सीट दी है हम उनके आभारी हैं। ये हमारा पार्टी का नारा था, हमारी कोशिश थी कि हम 400 पार करें, लेकिन भारत की जनता ने, आवाम ने हमें 300 का आंकड़ा दिया। हम उनके आभारी हैं और हम खुश हैं और सरकार हमारी बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधान। विपक्ष के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की हार हुई, बीजेपी की हार हुई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, विपक्ष का काम है बयानबाजी करने का। जनता ने बताया है कि जनता ने तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और वो कल अभी 9-10 तारीख को शपथ लेंगे, ये पक्का है। गठबंधन का भी काफी सीट आया हुआ, तो आपको नहीं लगता है कि वो तोड़-फोड़ करने का काम करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन का अगर ज्यादा सीट आई है तो हमें लगता है कि अपोजिशन मजबूत रहना चाहिए। अब की भारत की जनता ने अपोजिशन हमें मजबूत दिया है और उनके साथ में मिलकर हमारी सरकार और मोदी जी अच्छा काम करेंगे। जोगेश्वरी की इस विधानसभा पे इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों को आप मिठाई खिला रहे हैं, इसके पीछे का वजह जान सकता हूँ? आप अपनी कमियों को भी बताना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, किस वजह से मुंबई में आपको कम सीटें मिल पाई हैं? देखिए, मुंबई में कम सीटें नहीं मिली है, कुछ हमारे जो साथियों के कोटे में सीटें गई थी, उस कारण जो है पार्टी ने क्या सोचा समझाओ तो पार्टी के बड़े लीडर जानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि मुंबई की भी 6 की 6 सीट आए और हमारी महाराष्ट्र में 45 सीट आए, लेकिन पब्लिक को और आवाम को ये मंजूर नहीं था। हम उनके आभारी हैं, जो जनता ने हमें इतनी सीटें दी हैं, हम उनके आभारी हैं जनता के। अब्दुल नासिर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एसएम खान जी के ऑफिस पे आज ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी खुश है, पार्टी का जीत है, सब हम लोग खुश, सब मिलके सब पार्टी का जीत बना रहे हैं हम लोग। एसएम खान जी की यही है, अभी जब सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट बनेगी अपनी, उसमें एक मंत्री का अपना है, अपना उम्मीद खान साहब के लिए, हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। खान साहब, आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पे 3-4 महीने में, उसको लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों? देखिए, हमारी पार्टी का जो आदेश होगा, हम पार्टी के आदेश पर काम करते हैं। अगर हमारी पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो उसको जिता के वर्सोवा विधानसभा नहीं, पूरी बम्बई में हम लोग ज्यादा से ज्यादा विधायक पहुंचाने का काम करेंगे। बिजू, पहली बात तो हमारे देशवासियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हुए हैं, उन्होंने अपने मन से काम किया और दिन रात करके मेहनत किया, भले हम 400 पार ना हो पाए, लेकिन हमने दिल से काम किया है और आगे भी हम काम करते हैं। खान साहब, मेरा सवाल आपसे होगा, जब से एसएम खान साहब जोगेश्वरी में इस क्षेत्र में आए हैं, लगातार उत्सव मनाया जा रहा है, आए दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम होते हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज फिर एक बार मोदी सरकार की जीत हुई है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यहाँ फिर एक बार दीप उत्सव मनाया जा रहा है, लोगों को मिठाई खिलाई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने का मौका दे रहे हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।
दूसरी बात है, जब से ये कार्यालय यहाँ बना है, सीएम खान साहब ने इसको बनाया है यहाँ, तब से इस कार्यालय पे इसी तरीके से जश्न होता जा रहा होता आ रहा है जैसा आप अभी देख रहे हैं। तो इस ये जो है पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा काम हो रहा है, पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है और उसमें जो है एसएम खान साहब बहुत ही सक्रिय काम कर रहे हैं और हम सब की ये शुभकामनाएं हैं कि आने वाले कल में जब भी कोई निर्णय हो, जब भी कोई बात बने, तो पार्टी जो है एसएम खान साहब की तरफ जो है ध्यान दें। आपको नहीं लगता कि कार्यालय आगामी विधानसभा और नगर पालिका चुनाव में एक बड़ा चेहरा बन के निकलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, ये कार्यालय से ही निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा इस कार्यालय के हित होगा। जब तक हमारा कार्यालय उसका साथ नहीं देगा, किसी का कोई भला नहीं होगा। एक सवाल आपसे, देश की आवाम से क्या कहना चाहेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को चुन रही है देश की जनता? देखिए, देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। हम अखंड भारत और भारत से आतंकवाद को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और विकास करेंगे और गरीब जनता को ऊपर तक लेके जाएंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश के अंदर एक नया इतिहास बने, कि तीसरी बार देश में एक अच्छा काम हो और पूरे देश भर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर काम करें और देश हित में काम करें। धन्यवाद।